ऑल राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। सी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। जब हमने स्विच केस और फॉर लूप की बात की थी, हमने उसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था, तो हम आज के इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा ब्रेक हमें कब यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए और क्या यूज होता है ब्रेक का, एंड इसी तरीके से कंटिन्यू कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और क्या यूज होता है हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ डीपली देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। सी के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। ब्रेक स्टेटमेंट इन सी। सी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे हमारा पहला पॉइंट है यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ये हमारा यूज होता है जब भी हमें कंट्रोल हमारे लूप से या स्विच केस से किसी ऐसी कंडीशन से बाहर निकालना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनसाइड लूप और स्विच केस, जो कि अभी मैंने बताया आपको, हम इसको लूप्स और स्विच केस के अंदर यूज करते हैं। जब भी हमें ये हमारा काम पूरा हो जाए तो हमें कभी भी कंडीशन लूप से या स्विच केस से बाहर निकालना, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हमारा होता है थर्ड पॉइंट, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद लूप एंड स्विच केस एक्सप्रेशन एंड मोर। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है हमारा, वो हमारा लूप और स्विच केस के एक्सप्रेशन में भी यूज होता है और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें भी थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं। थ्री पॉइंट्स होते हैं हमारे यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि जब भी होता है ना, हम बोलते हैं कि जैसे कोई बोल रहा है ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं ना जैसे कि इसको छोड़ो तुम अपना कंटिन्यू रखो, मतलब इस चीज को छोड़ो तुम अपना काम करते रहो। इसी तरीके से जब भी जैसे हम 1 to 5 तक कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, हम बोलते हैं 2 को छोड़ो, 1 से शुरू करो, जब भी 3 आए ना तो 3 को छोड़ो अपना कंटिन्यू रखो। तो इसका मतलब 1, 2, 4, 5 ये प्रिंट होंगे, 3 को छोड़ो बाकी सबको प्रिंट करो, मतलब कंटिन्यू रखो अपना, इसको ये नहीं हो रहा तो इसको छोड़ो अपना काम कंटिन्यू रखो, उस केस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं कोड आईडी के अंदर चल के। तो चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपनी कोड आईडी के अंदर। यहां पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, ब्रेक कंटिन्यू डॉट सी के नाम से। यहां पे मैं लिखता हूं अपना एक स्निपेट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0। अब यहां पे हम समझते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट को। पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को हम कुछ गेम की तरह समझते हैं। जैसे कि हम एक गेम टाइप का बनाएंगे जिसमें नंबर प्रिंट करेंगे कुछ, जैसे कि हमें उसमें 10 चांस मिलेंगे, 10 टाइम्स हमें वो प्रोग्राम चलाने के लिए मिलेगा। उसमें हमें करना है, जैसे ही हम 4 डाल देते हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। आप कुछ भी नंबर डालते रहो, आपको 10 चांस मिलेंगे, 10 बार आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। यदि आपने 4 डाला, चाहे वो पहली बार में डालो चाहे दूसरी बार में डालो, हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो हम आज इस वीडियो के थ्रू, गेम के थ्रू अपने ब्रेक स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने बोला इंट आई वेरिएबल बनाया। हम कितने टाइम्स देंगे उसके लिए, हम देंगे 10 टाइम्स। तो हमने फॉर लूप चलाना पड़ेगा। जब भी हमें कोई आइटरेबल वाली कोई चीज चलानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉर लूप चलाना पड़ता है। और आई में डाल दिया हमने 1, 1 से शुरू होगा, और हमने बोला आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 तक जाए, हमें 10 चांस देने हैं उसको। तो यहाँ पे 10 तक गया, और आई में कर दो प्लस प्लस, हमने ये लगाया। अब हमने बोला उससे हमने आई के अंदर अगर क्या, हमने इसको 10 बार चला। इफ कंडीशन को लगाने से पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमने बोला प्रिंट करना पड़ेगा, पहले प्रिंट करा हमने एंटर नंबर हियर। हमने यहाँ पे एक यूजर से नंबर एंटर करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें यूजर ने क्या डाला, 10 चांस मिलेंगे उसको। और हमने यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल बनाया एन वैल्यू बनाने के बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमने बोला स्कैन ऐप से बोला, हम मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, स्कैन ऐप फंक्शन का। तो परसेंट डी इंटीजर टाइप की वैल्यू डालेगा वो, हमने बोला एड्रेस दे दो किसका, एन का। अब हम चेक करेंगे इफ एन अगर बराबर बराबर है किसके, 4 के। अगर एन में हमारा 4 होता है तो आपको क्या करना है, लूप से बाहर करना है, गेम ओवर हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा हमारा ये। और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देते हैं,
यहाँ प्रिंट कर दो, गेम ओवर। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो लूप हमारा चलता रहेगा 10 times और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ से हमें ये कि अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब इसको समझा देता हूँ मैं एक बार रन करने से पहले। ये प्रोग्राम हमारा चलेगा, हमें मिलेंगे 10 times चांस मिलेंगे, हमें 10 chance मिलेंगे हमें इस गेम में। 10 chance में आप या तो कुछ भी नंबर डालो, वो नंबर हमारा यहाँ पे हम प्रिंट भी कराते हैं। जो भी यूजर नंबर डालेगा उसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट कर दो, दी एंटर्ड नंबर इज परसेंट डी और यहाँ पे स्लैश एन कॉमा एन, एन लगाया मैंने यहाँ पे और सेमी कॉलन से इसको बंद कर दिया। अब ये प्रोग्राम हमें 10 chance देगा, उसमें जो भी हम 10 times कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। 10 times अगर हमने 4 नहीं डाला तो 10 तो चलेगा चलेगा, 10 के बाद ऑटोमेटिक गेम ओवर हो जाएगा। अगर हम किसी भी केस में 10 case के अंदर किसी भी केस में अगर हम 4 डाल देते हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। रन करते हैं, मैं शॉर्टकट की मदद से रन कर रहा हूँ। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एंड एन। मैंने प्रोग्राम रन किया, हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ रही है। चेक करते हैं हमने क्या एरर दी है। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं, यहाँ पे हम यहाँ से सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे तो हमने सेमी कॉलन लगाया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन किया और यहाँ बोला एंटर अ नंबर हियर, हमने डाला 1 प्रिंट हो गया। द एंटर नंबर इज 1, हमने 2 डाला 2 प्रिंट हो गया, 3 डाला 3 प्रिंट हो गया। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मैंने 4 डाला 4 प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोला था जब भी आप 4 डालोगे तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। हम इसको एक बार और रन करके देखते हैं। यहाँ पर रन किया, मैंने बोला 12 प्रिंट हो गया, मैंने बोला 23 प्रिंट हो गया, मैंने बोला 34 प्रिंट हुआ, 45 प्रिंट हुआ। कितने टाइम्स प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 4 टाइम्स, 5 6 7 8 9 and 10 times। मैंने बोला 10 chance मिलेंगे, 10 chance में अगर आप 4 नहीं डाल पाते हो तो 10 chance के बाद हमारा गेम ऑटोमेटिक ओवर हो जाएगा। अब एक बार इसको फिर से रन कर देंगे। जैसे मैंने पहली बार में 4 डाल दिया तो पहली बार में गेम ओवर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट की बात। अब हम कर लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। यहाँ से हमने ये कमेंट किया, अब हम देखते हैं नीचे जाके अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया कंटिन्यू स्टेटमेंट को चलाने के लिए, इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से यूज़ करते हैं हम। इंट टाइप से हमने एक वेरिएबल बनाया एन, इसमें भी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, इसमें हम यूज़र से वैल्यू नहीं लेते हैं। आई वेरिएबल बनाया, फॉर लूप चलाया, आई के अंदर डाल दिया हमने 1, आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इसको भी 10 तक ही चलाते हैं, आई प्लस प्लस। ये हुआ, हमने बोला इफ हमारा आई के आई हो जाए हमारा बराबर 2k तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, और अगर ऐसा ना हो तो वैल्यू को प्रिंट करते रहो। प्रिंट एफ नंबर्स को प्रिंट करते रहो। नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए हम बोल दें परसेंट डी स्लैश एन, हमें नई लाइन में नंबर्स चाहिए। न्यू लाइन में नहीं लेते नंबर, इसी में ले लेते हैं, एक स्पेस डाल देते हैं या फिर एक कॉमा भी लगा देते हैं, कॉमा छोड़ो स्पेस ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमने बोला किसको प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू को। अब इसको रन करके देखते हैं, इतना सा प्रोग्राम है। जैसे हमने बोला हमने एक लूप चलाया 10 times, उसमें हमने बोला जैसे ही आई में 2 हो जाए ना तो आपको कंटिन्यू कर देना, मतलब 2 को छोड़ो, 2 को प्रिंट मत करो, कंटिन्यू कर दो उसको और बाकी सारे नंबर प्रिंट कर दो। तो हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट होंगे जिसमें कि 2 नहीं होगा। तो हम इसको रन करते हैं, मैंने इसको रन किया। अब देखो फ्रेंड्स 1 आया, 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा 2 नहीं आया। इसी तरीके से हम इसको एक बार प्रोग्राम रन करते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया अगर आई 5 के बराबर हो जाए तो कंटिन्यू कर दो, तो इस केस में क्या नहीं प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट होंगे। तो हम इसको रन किया, अब देखो 1 2 3 4 5 नहीं आया क्योंकि हमने बोला था जैसे ही 5 आ जाए तो उसमें कर दो कंटिन्यू। तो 1 2 3 4 5 गया, 6 7 8 9 10। तो हम फ्रेंड्स इसी तरीके से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।